नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपसे कुछ ऐसे पॉइंट शेयर किए हैं जिनको अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप ज्यादा देर तक पॉजिटिव रह सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एनवायरनमेंट। पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में प्रेजेंट रखने के लिए एनवायरनमेंट का रोल हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा हमारा एनवायरनमेंट होगा वैसे ही हम एक तरह से डेवलप होंगे। अगर हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है, सपोर्टिव है, हेल्पफुल है, तो हम हर दिन पॉजिटिव रह सकते हैं। जिस रूम में हम अपना ज्यादा वक्त बिताते हैं उस रूम में अगर ऐसी चीजें प्रेजेंट है जिससे हम ज्यादा देर तक पॉजिटिव रह सकते हैं, तो हम पॉजिटिविटी को हम अपनी लाइफ में हमेशा के लिए प्रेजेंट रख सकते हैं और नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं। हमारे एनवायरनमेंट का रोल हमारी ग्रोथ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा एनवायरनमेंट सपोर्टिव है तो हम ज्यादा देर तक पॉजिटिव रह सकते हैं एंड नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है इम्प्रूव योर हैबिट्स। हम वह बनते हैं जो हम रेगुलर बेस पे अपनी लाइफ में करते हैं। उन एक्टिविटीज को अपनी लाइफ में एनालाइज करके जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है उनको अपनी लाइफ से खत्म करके हम पॉजिटिविटी की शुरुआत कर सकते हैं। हमें हमारी हैबिट्स ही बनाती हैं। अगर हम ये जान पाए कौन सी हैबिट्स हमारे लिए अच्छी नहीं है उनको खत्म कर पाए अपनी लाइफ से, तो हम पॉजिटिविटी की बहुत बढ़िया शुरुआत कर सकते हैं और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से खत्म कर सकते हैं। हम वह है जो हमारी आदतें होती हैं। जिन चीजों को हम देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, वैसे ही हम एक्ट करते हैं, वैसे ही हमारा बिहेवियर डेवलप होता है। अगर हम अपनी हैबिट्स को इम्प्रोवाइज कर पाए तो हम पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में इंजेक्ट कर सकते हैं एंड नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है डोंट बी अराउंड नेगेटिव एनवायरनमेंट एंड स्पेंड एनी अमाउंट ऑफ टाइम देयर एंड डोंट टॉक अननेसेसरी इन नेगेटिव एनवायरनमेंट। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा भी टाइम नेगेटिव एनवायरनमेंट में बिताएंगे वैसे ही डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, वैसे ही आपका बिहेवियर बनना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट आपको मैंने एनवायरनमेंट का बताया था। अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो तो हम पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में डेवलप कर सकते हैं। वैसे ही थर्ड पॉइंट है अगर हम ये जान पाए हमारी लाइफ में ऐसा कौन सा नेगेटिव एनवायरनमेंट है जिसमें हम जाते हैं एंड नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, उस एनवायरनमेंट को अपनी लाइफ से खत्म करके पॉजिटिविटी तरफ बढ़ सकते हैं। नेगेटिव एनवायरनमेंट में थोड़ा टाइम भी स्पेंड करना बहुत ज्यादा हानिकारक होगा हमारी डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही उस एनवायरनमेंट में कुछ भी बोलना, कुछ सेकंड की कन्वर्सेशन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगी। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को इंजेक्ट करें तो हमें नेगेटिव एनवायरनमेंट को समझना होगा। जो हमारे आसपास नेगेटिव एनवायरनमेंट है उससे हमें दूर होना होगा। वहां पर थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करना हमारे लिए हानिकारक होगा और वहां पर थोड़ी सी देर की भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करना हमारे लिए हानिकारक होगी। पहली शुरुआत हमें अपने एनवायरनमेंट से करनी होगी। अपने एनवायरनमेंट को हमें ऐसा बनाना होगा जैसे हम बनना चाहते हैं, जैसे हम डेवलप करना चाहते हैं। अगर हमारा एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो हम पॉजिटिविटी की तरफ कभी नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को ठीक करें। फोर्थ पॉइंट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ। जैसे ही हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है किसी सिचुएशन को लेकर के, वैसे ही हमारे एक्शंस होते हैं उस सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल अगर हमें डर लग रहा है तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमें पसीना आता है। वैसे ही अगर हम अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखें किसी नेगेटिव सिचुएशन में, किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, तो हम उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हमारी बॉडी स्ट्रेट होगी किसी नेगेटिव सिचुएशन में, किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, तो वैसे ही सिग्नल हमारी बॉडी से हमारे ब्रेन की तरफ जाएंगे कि हमें कैसे एक्शन हमें अभी लेने हैं। अगर हम ये सीख लिए कि हमें नेगेटिव सिचुएशन में या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसा अपना बॉडी पोस्चर रखना है, तो हम पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में इंजेक्ट कर सकते हैं एंड नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते हैं। जो पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में इंजेक्ट कर सकते हैं एंड नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।